हाय फ्रेंड्स, एकाब्रियम स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे इस किताब से कुछ। अगर आप कहीं हैं या कहीं किसी के साथ रहते हैं, कहीं किसी के साथ उठते बैठते हैं, तो देखिए उठना बैठना हर किसी के साथ, अगर मेरे नज़र से कहा जाए तो हर किसी के साथ उठना बैठना उचित नहीं है। हर कोई ऐसा नहीं है। आप अपने आसपास उसी व्यक्ति को रखें, उसी से आप गाइड कराएं, जो जैसा कि आप, जैसे कहा जाता है कि आप किसके साथ रहते हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, तो ये सब चीज़ बहुत मायने रखता है आपके ज़िंदगी के ऊपर। और वो उसी से आपको पता चलेगा कि नहीं, आप जैसे कि कहने का मतलब है कि अगर आप कोई जो लाइन में आप हैं उस लाइन से रिलेटिव अगर किसी के साथ मिलते हैं, किसी के साथ मिलते जुलते हैं, बात विचार करते हैं, उससे क्या होगा कि आपको काम करने का, काम सीखने का मतलब उसका थॉट मिलता है, उसका उस दिशा में जितना भी बात किया जाएगा उसको आपको मतलब सोचने का, समझने का आपको नजरिया मिलेगा। बात मतलब मेरे कुछ किसी लाइन के बारे में, उस लाइन के बारे में मेरा नजरिया कुछ और है, मेरे साथ में ये काम करते हैं उनका नजरिया कुछ और है, और मेरे साथ में उनका नजरिया कुछ और है। तो वही चीज कहा जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप अपना जो सर्किल, जिस लाइन में अगर आप हैं, तो उस लाइन में आप अपने लाइन से रिलेटिव आदमी से बात करें। आप अपने रिलेटिव आदमी जो आपके इंडस्ट्री से है, वो किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, आपके शिक्षा, आप स्टूडेंट है शिक्षा के क्षेत्र से हो सकते हैं, आप एक ब्रोकर हैं आप उसके क्षेत्र से हो सकते हैं, एक दुकानदार हैं उसके क्षेत्र से आपका हो सकता है, तो उसी व्यक्ति के साथ रहें, उसी व्यक्ति के साथ बात विचार करें कि आपको उससे रेफरेंस मिलेगा कि हाँ उसको काम करने का क्या तरीका, हम उससे कुछ सीख सकते हैं, तो उससे आप कुछ सीख सकते हैं, उससे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इस तरीका से आप कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपके लाइन से जो भी अगर व्यक्ति अगर एक्सपर्ट है या पुराना वो आदमी काम कर चुका है किसी भी लाइन में, या तो वो स्टूडेंट के लाइन हो या किसी भी लाइन एनीबॉडी, तो वो लाइन से अगर वो कोई भी व्यक्ति अगर एक्सपीरियंस है उसको मतलब कि काफी टाइम का, तो उस व्यक्ति के साथ आप टाइम निकालिए, उससे बात विचार कीजिए, उससे आप कहिए कि नहीं, आप उनको कभी लंच पे ले जाइए, कहीं पर उनको घूमने के लिए ले जाइए, कहीं उनको चाय पर बुला लीजिए, यहाँ थोड़ा देर आप हमसे मिल सकते हैं तो मिलिए, एक दो घंटा बात विचार करिए, उनसे सीखिए यहाँ वो ये लाइन में अगर हैं, ये लाइन पार कर चुके हैं तो किस तरीका से पार किए, उनको काम करने का क्या तरीका था, तो ये सब चीज आपको बहुत सहायता देगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो यही सब चीज छोटा छोटा मतलब कि टॉपिक है जो कि बहुत सिखाता है। अब इसे एक इसमें एक और लाइन इसमें हमको अच्छा लग रहा है जो कि अच्छी सलाहकार की शक्ति, ठीक है ना। तो एक चीज और है, जैसे कि आपका क्या गाइड है, जैसे कि आप किनके साथ ब्रेन वॉश करवा रहे हैं, आपके आसपास में कौन रहते हैं, आपके साथ आपके दोस्त यार, जिससे कि आप सही मायने में एक गाइड, आपका गाइड करने वाले कौन है ना, ये भी एक क्वेश्चन है कि आपके गाइड करने वाले कौन है, आपके सलाहकार कौन है। अगर आप अच्छी व्यक्ति से सलाह लेते हैं तो वो कैसा है, जिनसे आप सलाह लेते हैं वो कैसे हैं, तो ये सब चीज उसमें मायने रखता है। अगर आप किसी से सलाह लेते हैं तो आप ऐसा व्यक्ति से सलाह लें कि वो आपको अच्छा सलाह दे, वो आपके लाइन के, आपके इंडस्ट्रीज के नंबर वन हो, तो ये सब चीज से सलाह लें जो कि काफी पुराना है, तो ये सब चीज आपको अप्लाई कर सकते हैं। छोटा छोटा चीज बहुत कुछ है। और एक चीज आपके साथ शेयर करते हैं, जल्दी सीखने की शक्ति। किसी भी फॉर्मूला को अगर आप सीखते हैं तो उस फॉर्मूला को जितना जल्दी हो कि आप सीखें, उसमें एक्सपर्ट हों और उसको अप्लाई करें, उसके बाद आप नया एक और फॉर्मूला सीखने के लिए तैयार हो जाएं और उसके कोशिश में लगे। आप या तो आप बुक पढ़ सकते हैं, आप कहीं घूम सकते हैं, किसी सेमिनार में जा सकते हैं, किसी से बात विचार कर सकते हैं, इसे कोई आइडिया है, कोई फॉर्मूला है ना, वो सब चीज कह रहा है ये बुक में बताया गया है कि आप इसको बहुत जल्दी सीख सकते हैं, सीखिए और उस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, उसके बाद जितना जल्दी हो आप फिर नया फॉर्मूले की तलाश पर लग जाइए। सफल बनने के लिए आपको सफल आदतों की जरूरत है, ठीक है। कभी भी आप अगर सफल बनना चाहते हैं तो आपको सफल तरीका से आपको रहना पड़ेगा, सफल तरीका से आपको सोचना पड़ेगा और उस तरीका से आपको चलने, रहने, खाने पीने का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। शायद वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं, या आपको भी अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा। अहंकार की वजह से आपने कभी कोई अवसर को गवाया है? क्या आपने अपने अहंकार की वजह से कभी किसी अवसर को या किसी मौका को गवाए हैं?
या जैसे कोई भी आपका जैसे काम हो या कोई मौका हो, जैसे खेलने का मौका, किसी भी तरीका के अगर आपको अवसर मिला हो या मौका मिला हो, तो आप अपने गुस्सा की वजह से या अहंकार, वही हो गया दोनों, तो आप गुस्सा या अहंकार की वजह से, गुस्सा की वजह से कभी कुछ ऐसा गंवाए हैं, या वो रिश्ता हो सकता है, वो आप स्कूली लाइफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीबडी, तो क्या आप गंवाए हैं? तो ये आप बहुत बड़ी एक क्वेश्चन है, तो ये चीज आपको सीखना चाहिए, ये चीज समझना चाहिए। क्या अहंकार की वजह से आपने कभी कोई अवसर गवाया है? अगर गवाए हैं कि नहीं गवाए हैं, वो आप अपने आप से कुछ पूछिए। अगर आप गवाए हैं तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, आप अपने आप को चेंज कीजिए। अगर आप गवाए हैं तो उसको ये चीज आप रियलाइज कीजिए कि हाँ, इसको गवा, अगर कोई भी आदमी गुस्सा के बस में अगर कोई काम करता है या कुछ ऐसा डिसीजन ले लेता है, उसमें आप कुछ ना कुछ आप गवा सकते हैं, आप कुछ ना कुछ खो सकते हैं। तो आप उसको किस तरीका से मैनेज कर सकते हैं, तो वो चीज आपको ये चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। कभी भी आपको गुस्सा के बस में कोई भी काम या कोई भी ऐसा नहीं किया जाए कि आपको आगे चल के डिस्टर्ब हो, ठीक है ना? तो इस तरीका से होता है। इसी तरीका के बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सिर्फ क्वेश्चन करने से, आप क्वेश्चन कुछ ऐसी करने से आपको या आपसे हमको अच्छा नहीं लगता ज्यादा। लास्ट चलते चलते एक और क्वेश्चन आप लोग के साथ शेयर कर लेते हैं। हर जगह सोना बिखरा पड़ा है, ज्यादातर लोगों के पास इसे देखने का प्रशिक्षण नहीं है, क्या आपको लगता है? सही बात है ना? सही बात, सोना हर जगह छितरा हुआ है, हर जगह बिखरा पड़ा हुआ, मगर उसको देखने का, उसको समझने का हर किसी के पास उतना ज्ञान नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है कि वो ये चीज पता कर सके कि हर कहाँ पर क्या सोना गिरा हुआ, कहाँ पर पैसा है। क्योंकि हर मिट्टी हर जगह पर, हर कण कण में देखा जाए, तो आप हर जगह से आप स्टार्ट कर सकते हैं, हर जगह से आप पैसा कमा सकते हैं, हर चीज से पैसा कमा सकते हैं। आपके हाथ में अगर एक छोटा सा मोबाइल है तो आप उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास एक साइकिल है तो आप उससे भी पैसा कमा सकते हैं, मगर आपको उसको सही तरीका से, सही डायरेक्शन में उसको काम कराने का जरूरत है। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ ज्यादा नहीं चलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। अगर आपका इच्छा है, अगर आप कुछ बढ़िया सीखना चाहते हैं, बढ़िया पॉजिटिव रहना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में।